वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो कुछ मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, आप लोगों ने थंबनेल पढ़ा ही होगा। तो फ्रेंड्स देखो, जब प्यार में लोग धोखा खाते हैं तो न जाने क्या क्या गलत काम करने लगते हैं। कई सारे तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग, तो यानी कुछ भी नशा करने लग जाते हैं लोग। कई सारे अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं, अपनी ज़िंदगी खुद ही बर्बाद कर लेते हैं। तो देखो मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ, लेकिन मैंने वो सब नहीं किया, मैंने थोड़ा अलग सोचा। तो फिर मैंने क्या किया, किसे किया, आखिर क्या हुआ, तो मैं आज अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि यही जानकर आप लोग काफ़ी मोटिवेट हो सकते हो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे, तो मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताने वाला हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, मेरी फैमिली के बारे में भी आपको बताऊंगा, मैं कहाँ पे रहता हूँ, मैं कौन से कॉलेज में पढ़ता हूँ और मैं कहाँ तक पढ़ा हूँ, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं अपनी लव स्टोरी के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, यूट्यूब क्यों ज्वाइन किया, किस ज्वाइन किया, आखिर क्या वजह थी कि मुझे यूट्यूब ज्वाइन करना पड़ा। मेरी लव की बात इस वीडियो में मैं क्यों बताने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स देखो आखिर बात ऐसी है क्योंकि उसकी वजह से ही, यानी वो भी एक रीज़न ही है, इसलिए मैं लव वाली बात इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो पूरा देखिए, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि प्रपोज, मैं यूट्यूब पे पहली बार प्रपोज करने वाला हूँ किसी को, मेरा पहला प्रपोज होगा, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से मेरा वीडियो नहीं आया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। इस वीडियो के बाद अब कंटिन्यूसली वीडियो आएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा खेती का काम भी चल रहा था और कई सारे प्रॉब्लम्स थे, इसलिए वीडियो कंटिन्यूसली नहीं आ पाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स पहले हम हमारी खेती के बारे में देख लेते हैं और हमें खेत में क्या क्या काम करना पड़ता है, हम किसान भाइयों का यानी क्या हाल होता है, यानी कैसे काम करना पड़ता है, तो वो भी मैं आपको सब शॉर्टकट में दिखाऊंगा, शॉर्टकट में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स हमारे दो जगहों पे खेती ओके, जहाँ पे हम रहते हैं तो वो गांव में वहाँ पे एक खेती ओके, और यहाँ से कम 10-15 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पे एक खेती, ठीक है। तो चलिए चलते खेत में ओके। तो देखो दोस्तों, इस तरह से हम खेती में, मैं यानी हम, मेरी पूरी फैमिली, हम ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो देखो आप लोग देख सकते हो, तो देखो अभी ये जो पीछे जो काम चल रहा है, तो मैं भी अब यही कर रहा था। देखो ये जो दिख रही है ये साइड में, ये मेरी माँ है, उसके बाद में ये देखो ये मेरी चाचा जी, बड़ी चाची, और उसके बाद में चाचा जी पीछे, वो आपको शायद दिख नहीं रहे, लेकिन वो मेरी चाचा जी, बड़े चाचा जी, ठीक है। दोस्तों यही हम काम करते हैं हमारी खेती में, तो इस तरह से काम मुझे करना पड़ता है, तो यही मेरी रियल लाइफ में, मतलब ये सब हमें करना पड़ता है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ तो ये सब मुझे करना ही पड़ता है, और साथ में मैं पढ़ाई भी करता हूँ साथ में, और आप जो दिख रहे हो वो चैनल भी मैं चलाता हूँ साथ में, ठीक है फ्रेंड्स, ये ठीक है। तो इसमें हमें रेगुलर हमें काम करना ही पड़ता है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। तो देखो ये जो हम अभी जो काम कर रहे हैं, तो ये इसे हम मराठी में बाजरे कहते हैं, जिसके हम रोटी बना के वही खाते हैं, ठीक है। तो हम तो रेगुलर खाते हैं, आप लोगों तक जो अनाज आता है तो ये मतलब हमसे ही होके आता है, यानी जब हम मेहनत करते हैं, जब हम इसे काट के फिर इसे सुखा के फिर इसे हम दिसंबर एंडिंग में या फिर जनवरी में हम इसे निकालते हैं, ठीक है। तो यही अनाज आप लोगों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो ये हमारी खेती, तो इसमें अभी मैं भी इसमें काम कर रहा था अभी, लेकिन सोचा आपके लिए कुछ मोटिवेशनल वीडियो बना दूँ, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो मैं भी यही कभी काम कर रहा था, लेकिन देखो अब मेरे बाल वगैरह आपको सब ठीक दिख रहे हैं, लेकिन देखो वैसी बात नहीं है। मैं क्या करता हूँ, जब मैं काम करता हूँ तो मैं आंखों पे चश्मा पहन लेता हूँ ताकि धूप ज़्यादा दिखाई ना दे, इसलिए। तो फ्रेंड्स हम जब यहाँ पे मेहनत करते हैं तो तभी हम इस अनाज को निकाल पाते हैं, तभी ये अनाज आप लोगों तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे अनाज हम उगाते हैं जो कि आप लोगों तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वो देख रहे हो आप जो पीछे, तो देखो आपको जो ग्रीन ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, तो वो सारी तूर है वहाँ के, ओके। तो वहाँ पे सब तूर का झाड़ है, तो देखो उसे वहाँ पे भी सभी बाजरी ही थी, तो वो हमने कल से काटना चालू किया था, तो हम कल से आज तक हमने इतना काट लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ तक हमने पूरी तरह से काट लिया है। अभी हम इसे एक जगह पर इकट्ठा कर देंगे, फिर बाद में हम इसे जनवरी या फिर दिसंबर में हम इसे निकाल सकते हैं, ओके, तभी जाके वो आप लोगों तक पहुंच पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमें बहुत काफ़ी मेहनत का काम करना पड़ता है। तो देखो फ्रेंड्स
यहाँ पे चलने के लिए भी यानी पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं है, फिर भी हमें उसमें से चल के जाके ये सब काम करना पड़ता है। तो इसमें से यानी इस ये सब हमने हमने कटाई की है। ओके, तो ये हमने कल कटाई किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी यानी काफ़ी दिक्कत होती है कटाई करने के लिए। और देखो जब हम कटाई करते हैं तो देखो ये जो रहता है आप देख सकते हो इस तरह से, तो ये काफ़ी नुकीला टाइप होता है, तो ये कभी कभी पाँव में भी घुस जाता है। तो मुझे भी कल लग गया था, काफ़ी खून भी निकल चुका था और हाथ पाँव भी काफ़ी ख़राब हो चुके, यानी हाथ पाँव भी काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स कल मुझे क्या हुआ था, जब हम कल कटाई कर रहे थे शुरू में ही, तो देखो मेरे हाथ को एक मधुमक्खी जैसा एक कीड़ा रहता है तो उसने काट लिया था, तो मेरा हाथ काफ़ी यानी काफ़ी भारी हो गया था। ऐसा लग रहा था कि इसे निकाल के रखूँ, अगर स्क्रू होते ना तो मैं इसे खोल के निकाल के रख देता। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस कीड़े ने काटा था मुझे। देखो ये जो आप देख रहे हो घास जैसा, तो ये भी मैंने ही साफ किया है, अभी साफ किया है मैंने। तो इसी यहाँ पे हम वो सब बाजरी हम यहाँ पे एक साथ में सब जमा करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो ये जो आपको पत्थर दिख रहा है ये वाला, तो देखो ये जो आपको दिख रहा है वहाँ पे एक छोटा सा देख सकते हो आप यहाँ पे एक वाइट वाला, तो उस पर जो वाइट वाला आपको जो दिख रहा है तो उस पर कुछ कीड़ा दिख रहा है देखो आपको मधुमक्खी जैसा, तो वही काटते हैं, तो वही काफ़ी जोर से काटते हैं, तो उसने ही मुझे कल काट लिया था, तो वो भी दो बार काट लिया था। ठीक है, लेकिन फिर करना पड़ता है वो सब अभी। तो फ्रेंड्स काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खेती करना भी कोई सिंपल बात तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हमें मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम किसान भाइयों का काफ़ी अलग बात है, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी जब मार्केट में या फिर बाज़ार में जब हम कोई चीज़ बेचने जाते हैं, जब हमारा अनाज वगैरह वो सब निकलता है और जब हम इसे बेचने जाते हैं तो वैसे अच्छा यानी अच्छा भाव नहीं मिल पाता, तो तब जाके काफ़ी प्रॉब्लम आती है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि देखो फ्रेंड्स धूप हो या फिर बारिश, तो हमें काफ़ी मेहनत करने के बाद भी हमें कुछ अच्छा भाव नहीं मिल पाता। तो आप लोग इस वीडियो को काफ़ी शेयर कीजिएगा ताकि कुछ किसान भाइयों का भी कुछ भला हो सके। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम किसान भाइयों को भी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि देखो जब हम मेहनत करेंगे तभी ही आप लोगों तक सब कुछ अनाज वगैरह सब वो सब पहुँच पाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमारे खेत में हमने क्या क्या लगाए। ठीक है, तो देखो इसे हम कहते हैं तूर, जो आप लोगों तक यानी देखो आपको पता होगा तूर का दाल या फिर मूंग की दाल, तो वो सब तो इसे हम तूर कहते हैं। ओके, तो ये तूर का पेड़ है। ओके, तो इसे हमें तूर की दाल मिलती है। ठीक है, तो देखो इसे अभी ये यानी इसे देखो फ्लावर भी अब छोटे छोटे फ्लावर येलो कलर के फ्लावर भी आ रहे हैं। ओके, तो इसे हम तूर का झाड़ यानी तूर का पेड़ इसे हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो ये जो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स ये वाला, तो इसे वाला देखो ये वाला, तो इसे हम मूंग कहते हैं। ओके, तो इसकी भी दाल बनाई जाती है या फिर इसे भी इसे बना के खाते हैं। ओके, तो इसे मूंग कहते हैं, शायद इसकी भी दाल आपने खा के देखी होंगी। ओके, तो उसके बाद में और देखो हम और देखेंगे, तो वो जो हमने देखा तो वो अभी था मूंग। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे मट। ओके, तो देखो ये जो अभी दिख रहा है आपको, देखो ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो आपको दिख रहा है तो इसे हम मट कहते हैं। ओके, तो इसकी भी दाल बनाई जाती है देखो इस तरह से, ये तो ये पूरी तरह से ज़मीन पे बिखरा होता है। तो फ्रेंड्स देखो आप देख सकते हो, तो इसे हम सोयाबीन कहते हैं। ठीक है, देख सकते हो आप, तो इसको अभी लग चुके हैं, तो इसे हम सोयाबीन कहते हैं। देखो इसे हम सोयाबीन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरी तरह सोयाबीन, देख सकते हो आप पीछे पूरा सोयाबीन लगा है। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारी मूंगफली। ओके, तो जिसे देखो अभी हम इसे निकालते हैं कि आखिर इसे कितना नीचे लगा है। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से इसे ये देखो ये सारी मूंगफली अभी यहाँ पे लग चुकी है। देखो इतना अच्छा परफेक्ट तो नहीं हो पाया, लेकिन ठीक है अच्छा है। ओके, अब देखते हैं हमारा सनफ्लावर। ठीक है, उसे हम मराठी में सूर्यफूल कहते हैं और हिंदी में यानी इंग्लिश में सनफ्लावर। ठीक है, तो देखो ये हमारा सनफ्लावर का पेड़ है। देखो देखो इसे कैसे लगे होंगे, देखो इस तरह से आप देख सकते हो, तो ये हमारे सारे सनफ्लावर है। ओके, देखो इस तरह से। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो आप पीछे देख रहे हो तो ये हमारी बाजरे है, तो इसे भी अभी काटना बाकी है और भी हमें बहुत सारा मेहनत करना बाकी है। ठीक है, तो पता नहीं और क्या क्या पेड़ को लगेगा या फिर वो कीड़े काटेंगे या फिर क्या पता नहीं क्या क्या होगा अभी आगे, तो अभी काफ़ी मेहनत करना बाकी है।
हम किसान भाइयों की वजह से ही आप लोगों को सिटी में अनाज और खाने की चीज़ें पहुँचाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि सारे लोगों को पता चले कि हम किसान भाइयों का क्या प्रॉब्लम आता है, यानी हमें खेती करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या दिक्कतें हमें आती रहती है। तो इन सारी बातों का सबको पता चल जाएगा, यानी सबको पता लगेगा कि आखिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसी खेती की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ या फिर आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी से, यानी अब तक जो मैं बड़ा हुआ हूँ, तो इसी की वजह से, यानी सब इसी से हमारा चलता है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो, इसकी वजह से ही आज तक की मेरी पढ़ाई वगैरह तो वो सब इससे ही हो पाया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम कहाँ पे रहते हैं, तो फ्रेंड्स हम महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जो धुलिया जिला आपको मालूम होगा, तो हम उसे मराठी में धुले भी कहते हैं, तो हम उसी जिले में रहते हैं, ओके, धुलिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको करेक्टली एड्रेस नहीं दे सकता, लेकिन धुलिया जो जिला है उसी में हम रहते हैं। वहाँ पे एक, यानी इतनी बड़ी सिटी तो नहीं है हमारा गांव, लेकिन एक अच्छा सिटी है, तो उसमें ही हम रहते हैं। ये मेरी फैमिली, अभी हम खेत में आ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम सोयाबीन काटने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, ये पीछे जो देख रहे हो, ये मेरी पूरी फैमिली है, ठीक है। देखो, ये मेरा छोटा भाई, ये वाला, ये मेरे चाचा का लड़का है, ओके। तो ये छोटा सा, इसका नाम लकी है, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सोयाबीन, ठीक है, देखो ये पीछे। तो फ्रेंड्स, ये हमने जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारा गांव है, तो वहाँ पे हमने इकट्ठा कर लिया है, ओके। तो ये खेत का भी, जहाँ पे हम रहते हैं, तो वो खेत का भी, और जो उधर का जो खेत था जहाँ पे हमने आपको हरा वाला सोयाबीन दिखाया था, तो वो खेत का भी, तो हम दोनों खेत का सोयाबीन हमने एक जगह पे यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी हम एक ऊँची जगह पर आ चुके हैं, देखो ये पीछे आपको हमारा खेत दिख रहा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वो हमारा खेत है, तो मैं अभी आपको हमारा गांव दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा खेत, ठीक है। तो देखो, ये जो आपको पूरा दिख रहा है, तो ये हमारा पूरा सिटी है, ओके। देखो, यहाँ से स्टार्ट होके फिर यहाँ तक, देखो, तो ये हमारा पूरा सिटी, ओके। तो यही पे हम रहते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स, जो हमारा दूसरा वाला जो खेत है, तो देखो, ये जो आपको पर्वत नज़र आ रहा है, देखो ये वाला, तो ये जो आपको बड़ा पर्वत जो दिख रहा है, तो उसके, यानी उसके नज़दीक ही हमारा दूसरा वाला खेत है, ठीक है। तो वहीं से हमने सोयाबीन निकाल के, फिर हमने, देखो ये जो आपको दिख रहा है वाइट वाला स्पॉट, तो वहीं पर हमने इकट्ठा कर दिया था, ओके, जो हमने आपको दिखाया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेरी फैमिली के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेरी फैमिली में मेरी मम्मी पापा, मैं, एक मेरी बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। तो इस तरह से हमारी छोटी सी फैमिली है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे मेरे कॉलेज के बारे में। तो मैं ECS UPS इंजीनियरिंग कॉलेज धुलिया, तो मैं, हमारी कॉलेज धुलिया सिटी में है, ठीक है। तो हमारा कॉलेज महाराष्ट्र में जो धुलिया सिटी है, वहीं पर हमारा कॉलेज है, और उसी कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ। तो मैं फिलहाल अभी BTEC कर रहा हूँ, BTEC इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मेरा ब्रांच है, ठीक है। तो उसी में मैं थर्ड ईयर में अभी पढ़ता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा कॉलेज काफ़ी अच्छा है, और वहाँ के टीचर हमें काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, हमारा हर एक क्वेश्चन का वो काफ़ी अच्छे से हमें एक्सप्लेन करके हमें समझाते हैं। तो इस तरह से मेरा कॉलेज है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा एक प्रॉब्लम हो गया है अभी। देखो, मेरा फर्स्ट ईयर के बाद मेरा 2 साल का कंटिन्यूसली गैप आया था, यानी मेरा ईयर ड्रॉप हो गया था। तो मैं कुछ कमी, यानी मेरी पढ़ाई कम होने के कारण मैं फर्स्ट ईयर के बाद, यानी फर्स्ट ईयर में पास होने पाया, यानी मैं फेल हो गया। फिर मेरा कंटिन्यूसली 2 साल का कंटिन्यूसली गैप आ गया, इसलिए कॉलेज के बारे में। तो मैं ECS UPS इंजीनियरिंग कॉलेज धुलिया, तो मैं, हमारी कॉलेज धुलिया सिटी में है, ठीक है। तो हमारा कॉलेज महाराष्ट्र में जो धुलिया सिटी है, वहीं पर हमारा कॉलेज है, और उसी कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ। तो मैं फिलहाल अभी BTEC कर रहा हूँ, BTEC इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मेरा ब्रांच है, ठीक है। तो उसी में मैं थर्ड ईयर में अभी पढ़ता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा कॉलेज काफ़ी अच्छा है, और वहाँ के टीचर हमें काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, हमारा हर एक क्वेश्चन का वो काफ़ी अच्छे से हमें एक्सप्लेन करके हमें समझाते हैं। तो इस तरह से मेरा कॉलेज है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा एक प्रॉब्लम हो गया है अभी। देखो, मेरा फर्स्ट ईयर के बाद मेरा 2 साल का कंटिन्यूसली गैप आया था, यानी मेरा ईयर ड्रॉप हो गया था। तो
में कुछ कमी यानी मेरी पढ़ाई कम होने के कारण मैं फर्स्ट ईयर के बाद यानी फर्स्ट ईयर में पास हो ना पाया, यानी मैं फेल हो गया। फिर मेरा कंटिन्यूसली 2 साल का कंटिन्यूसली गैप आ गया, इसलिए मेरी स्कॉलरशिप ही नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने जब इंक्वायरी किया तो मुझे पता चला मेरी स्कॉलरशिप नहीं आ सकती, क्योंकि ऊपर से ही गवर्नमेंट मुझे स्कॉलरशिप नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा कंटिन्यूसली 2 साल का ईयर ड्रॉप आ चुका है, इसलिए मुझे स्कॉलरशिप नहीं आ सकती। फिर जब मैंने कॉलेज में जब जाके सर से मिला तो मैं प्रिंसिपल सर से भी मिल चुका हूँ और मेरे कॉलेज के कई सारे सर से मिल चुका हूँ, तो मुझे कॉलेज में बताया गया कि आपको यानी मुझे पूरा फीस पेड करना होगा। तो मुझे सेकंड ईयर से मेरा पूरा फीस पेड करना होगा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर। फ्रेंड्स, सेकंड ईयर का मेरा पूरा फीस है 85,000, तो इतना मेरा सेकंड ईयर का फीस है। और फिर थर्ड ईयर में मुझे 3 सालों का यानी पूरे 3 सालों का मुझे फीस पेड करना होगा, तो सेकंड, थर्ड और फाइनल ईयर का इसे 3 सालों का मुझे पूरा फीस मुझे पेड करना होगा, तब जाके मैं बीटेक कर पाऊंगा। तो ऐसा मुझे कॉलेज में से इंफॉर्मेशन मिला। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी फीस के बारे में प्रिंसिपल सर से बात किया था कि आखिर मैं इतनी फीस मैं पेड नहीं कर पाऊंगा, तो और हमसे हमारा भी हम तो बस खेती करते तो इतनी फीस में हम जमा नहीं कर पाएंगे, तो इसी बात मैंने कॉलेज में भी मैंने कह दिया था। मैंने प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट भी किया लेकिन फिर सर बोले कि आपको फीस तो पेड करना ही होगा, तो हम थोड़ा बहुत आपको छूट दे सकते हैं। फिर मैं यही बात की कि मैं घर वापस आ गया। फिर मैंने फैमिली में सबको बता दिया कि आखिर ऐसा प्रॉब्लम आ गया है तो अब क्या किया जाए। तो मम्मी पापा बोल रहे थे कि अगर तुझे पढ़ना है तो ठीक है, हम कोई लोन वगैरह लेके तुझे पढ़ा देंगे। तो यानी मेरी फैमिली मुझे फुल सपोर्ट कर रही है कि आई थिंक मुझे पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं पढ़ लिख के यानी मैं बीटेक कंप्लीट कर लूँ, चाहे मुझे जॉब मिले या ना मिले, लेकिन मैं बीटेक कंप्लीट कर लूँ। और मुझे पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट लगता है, इसलिए मैं पढ़ने की मेरी काफ़ी अच्छी यानी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ना। तो फ्रेंड्स, ऐसा प्रॉब्लम है। तो इस तरह से सारे रीज़न की वजह से मैं इंजीनियरिंग छोड़ने की यानी इंजीनियरिंग छोड़ दूँ या फिर मैं बीटेक पूरा कर लूँ, तो इसलिए यानी इस सब कंफ्यूजन में सब मैं आ चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आखिर मैंने यूट्यूब चैनल क्यों ज्वाइन किया, किस ज्वाइन किया, आखिर क्या वजह थी इसी कि जो मैंने यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया, ठीक है। और मैं अपने लव के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ, तो इन दोनों पॉइंट को मैं एक साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने यूट्यूब चैनल चालू करने का मैंने पहले से सोचा था कि आखिर एक यूट्यूब चैनल में चालू कर सकता हूँ, यानी चालू करने का है मुझे, लेकिन मैंने चालू नहीं किया था पहले। यहाँ से लगभग 1.5 साल पुरानी बात है। तो एक लड़की थी, देखो उसका नाम तो मैं नहीं ले सकता, क्या हुआ हम दोनों में बस फ्रेंडशिप हुई, तो हमारी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी थी, हम काफ़ी अच्छे से रहते थे, हमारी फ्रेंडशिप कम से कम 2 या 3 महीने काफ़ी अच्छी चली। उसके बाद में अचानक से उसने मुझे प्रपोज किया, फिर मैंने भी सोच के उसे जवाब में हाँ कह दिया, ठीक है। तो मैंने भी यानी मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरा भी फर्स्ट लव था, तो मुझे भी अच्छा लगा कि एक लड़की ने मुझे प्रपोज किया, तो मैंने भी उसे सोच के जवाब में हाँ कह दिया। फिर हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छा चला, तो हमारा रिलेशन कम से कम 5-6 महीने तक चला, यानी हम एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझने लगे थे और हम दोनों एक दूसरे पे काफ़ी विश्वास भी करते थे और हम हमेशा अच्छे से रहते थे। अदर कपल के जैसा हम फ़ोन पे भी कभी ज़्यादा बात नहीं करते थे, हम महीने में हमारा 1-2 कॉल करते थे, वो भी कम से कम 10 मिनट से ज़्यादा हम कभी बात नहीं करते थे फ़ोन पे भी। और चैटिंग हम हर दिन करते थे चैटिंग, लेकिन चैटिंग हम बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट तक हम चैटिंग करते थे, उसके बाद में यानी उसके आगे हम चैटिंग नहीं करते। हमारा भविष्य का भी हम काफ़ी ख्याल रखते थे कि आगे जो हमारा भविष्य है तो उसके बारे में हम काफ़ी सोचते थे। तो हम दोनों एक दूसरे को हम हमेशा कहते थे कि हमें पढ़ना है, मैं भी उसे हमेशा कहता था कि तुम अच्छे से पढ़ो, वो भी मुझे कहती थी कि तुम भी अच्छे से पढ़ लेना। उसका सपना था कि वो पुलिस ऑफिसर बने, ओके, और उसे आर्मी और पुलिस काफ़ी पसंद थे, तो वो उसके लिए पढ़ाई करती थी। और मेरा सपना था कि मैं इंजीनियरिंग पास हो जाऊँ और इंजीनियरिंग करके मैं आगे इसरो में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट मुझे मिले। मेरा सपना था कि मैं इसरो में काम करूँ, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था, देश के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो ऐसा मेरा भी एक सपना था। तो ऐसे ही हम एक दोनों को काफ़ी सपोर्ट करते थे।
मैं भी हमेशा उसके लिए ही, यानी मैं हमेशा पढ़ाई करता था। तो जब अगर मैं बोर हो जाता था तो मैं हमेशा सोच लेता था कि मुझे उसके लिए पढ़ना है या फिर हमारे भविष्य के लिए मुझे पढ़ना है। इसलिए मैं हमेशा पढ़ाई भी अच्छी करता था और उसे भी थोड़ा बहुत समय देता था, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत समय मैं उसे भी देता था और पढ़ाई भी अच्छे से कर लेता था, यानी सब उसी के लिए करता था। मैं उसे कभी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं समझता था, तो मैं उसे हमेशा अपने लाइफ पार्टनर जैसे ही समझता था कि आखिर यही मेरे लिए बनी है और मैं यही मेरी लाइफ पार्टनर है। तो इससे ही हम काफ़ी अच्छे से रहते थे, वो काफ़ी दूर थी पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स देखो, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगर वो लोग लव रिलेशनशिप में रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं, काफ़ी ज़्यादा चैटिंग्स, काफ़ी ज़्यादा फ़ोन कॉल्स, तो काफ़ी समय उनका बर्बाद होता है। तो वैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो हमारा भी भविष्य रहता है, तो हमें भी भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि आगे हमें क्या करना है, फ्यूचर में हमें क्या करना है, कैसे क्या करना है, हमें क्या पढ़ना है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हमें क्या करना है। तो इन सारी बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और हमारे माँ बाप भी यही चाहते कि हमारा बेटा हमारी बेटी कुछ पढ़ लिखे, कुछ बड़ी हो जाए, कुछ बड़ा हो जाए, कुछ बड़ा करे, कि लोग उनका नाम ले, ठीक है। तो हर माँ बाप का यही सपना होता है कि अपने बेटी या फिर बेटा कुछ बड़ा बन जाए, तो ऐसा ही हर माँ बाप का सपना होता है। तो यही सारी बातों का ध्यान रख के हम दोनों पढ़ाई भी हम काफ़ी ध्यान देते थे। तो फ्रेंड्स इस तरह से मेरा फर्स्ट लव था और वो काफ़ी बेस्टी था। अचानक से क्या हुआ फ्रेंड्स, अचानक से वो मुझे इग्नोर करने लगी। तो अचानक से मुझे इग्नोर करने लगी और उसका रीज़न मैं नहीं जानता था। तो एक दिन क्या हुआ, जब मैंने उसे पूछने की कोशिश की कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो उसे नहीं बताया। फिर उसी बात पे हमारा झगड़ा हो गया और वहाँ पे ही हमारा ब्रेकअप हो गया। हम कुछ दिन तक बात नहीं करते थे। फिर मैंने उसे समझाने की कोशिश की, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो उसने कभी बताने की कोशिश नहीं की, तो उसने बताया ही नहीं कि आखिर मेरी क्या गलती है, आखिर मैंने क्या रॉन्ग कर दिया। तो मुझे काफ़ी हर्ट हुआ कि मैंने इस पर इतना विश्वास किया, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो मुझे काफ़ी हर्ट हुआ। बाद में मैंने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की, यानी उसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर फाइनली हमारा ब्रेकअप तो हो ही गया। हमेशा उसकी याद मुझे आती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ, और मुझे हमेशा फिर हर्ट होता था कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आखिर मेरे से क्या गलती हुई। तो मैं ये बात पे काफ़ी सोचता था कि आखिर मैंने इसे क्या कर दिया, मेरी क्या गलती हुई। तो इस बात का मुझे काफ़ी हर्ट हुआ मुझे। फिर कई दिनों तक मैं उसे भूल ही नहीं पाया, फिर हमेशा वो मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा ब्रेकअप तो हो ही गया। जिस लड़की के बारे में मैंने आपको बताया, तो वो एक टिकटॉक स्टार थी, यानी उसके काफ़ी सारी वीडियोस थे टिकटॉक पे। तो उसकी वजह से मुझे भी टिकटॉक की लत लग गई थी, मैंने भी टिकटॉक वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और ये बात जो मैंने आपको बताई, तो ये बात यहाँ से लगभग 1.5 साल पुरानी है। तो आपको पता ही होगा तब हमारे इंडिया में टिकटॉक चलता था, तभी यानी सब लोग टिकटॉक यूज़ करते थे और टिकटॉक काफ़ी फेमस ऐप था, आपको पता ही होगा। तो फ्रेंड्स देखो क्या हुआ, हमारा रिलेशन तो चला, फिर हमारा ब्रेकअप हो गया। फिर तभी टिकटॉक चल रहा था, लेकिन देखो अभी पीछे ही आपको पता है कि जैसे ही कोरोना वायरस का ऐसा प्रॉब्लम शुरू हुआ, फिर बाद में लॉकडाउन में ही पीछे यानी कुछ दिनों पहले ही टिकटॉक बंद हो गया। यानी उस लड़की ने मुझे धोखा दे ही दिया, फिर बाद में टिकटॉक ने भी मुझे धोखा दे दिया, टिकटॉक भी बंद हो गया। फिर मुझे काफ़ी हर्ट हुआ कि उसने छोड़ तो दिया ही दिया, फिर बाद में टिकटॉक ने भी मुझे छोड़ दिया। तो ऐसा मुझे काफ़ी हर्ट हुआ। फिर मैंने सोचा कि आखिर अब क्या करूँ, उसे भी भूलना है और टिकटॉक भी बंद हो गया, अभी तो मेरे पास बस सिर्फ मेरी पढ़ाई बाकी है, बस यानी वही एक मेरे पास अभी काम रह गया था। वो तो मैं हमेशा करता ही था, पढ़ाई तो मैं कभी छोड़ता ही नहीं था, तो मैं पढ़ाई हमेशा मन लगा करता था। मैंने उसे भूलने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल सा काम हो गया था। फिर मैंने सोचा कि आखिर क्या करूँ। तो मेरे दिमाग में पहले से एक आइडिया था यूट्यूब का, कि मैं यूट्यूब चैनल चालू कर सकता हूँ और यूट्यूब में अच्छे से चला सकता हूँ, क्योंकि टेक्निकल फील्ड मुझे काफ़ी पसंद थी, इसलिए मैं यूट्यूब चला सकता हूँ। तो ये दिमाग में मेरे पहले से था, लेकिन वो मैंने किया नहीं। फिर बाद में ये सब हुआ, फिर हमारा ब्रेकअप वगैरह वो सब हुआ, फिर टिकटॉक भी बंद हो गया। फिर तब जाके मेरा एक दोस्त है, तो उसका नाम मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, तो मेरे साथ ही वो पढ़ता है मेरे कॉलेज में, तो उसका नाम है नैनदीप बोल से। तो उसने मुझे बताया कि पवन तू कर सकता है, तो तू यूट्यूब का चैनल चालू कर, तेरे में वो टैलेंट है कि तू 100% यूट्यूब चैनल चला सकता है। उसने मुझे काफ़ी समझाया कि तू 100% ये कर सकता है।
तेरे में वो टैलेंट है। हाँ, मैं यूट्यूब पहले से यूज़ करता था, लेकिन जो मेरा दोस्त है नैनदीप बोल से, तो उसने मुझे यूट्यूब के बारे में काफ़ी सारा नॉलेज, और मैंने यूट्यूब चैनल चालू कर दिया। फिर मैं इसरो में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पाना चाहता था, तो वो जॉब मैं करना चाहता था कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूँ, तो ही मेरा सपना था। और फ्रेंड्स, मेरा एक और सपना था, या फिर मुझे इसरो में जॉब मिल जाए, या फिर मैं टीचर बन जाऊँ। तो फ्रेंड्स, मुझे पढ़ाने का काफ़ी शौक था, यानी अगर कोई बात है तो मैं ये सामने वाले को काफ़ी अच्छे से पढ़ाने की, यानी मुझे काफ़ी अच्छा लगता था कि सामने वाले को, यानी सामने वाले को मैं पढ़ाऊँ ऐसा। तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छे लगती थी, इसलिए फिर ये सब हुआ। तो इतने सारे रीज़न मेरे पास हो चुके थे, और तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था। तो देखो, पहले तो उस लड़की ने मेरे साथ ऐसा किया, वो भी विदाउट एनी रीज़न उसने मेरे साथ ऐसा किया। फिर बाद में टिकटॉक भी बंद हो गया। फिर मैंने बहुत दिनों पहले ही, जब हमारा ब्रेकअप हुआ था, तो तभी ही मैंने फिर से उसे एक बार समझाने की कोशिश की थी। तो वो कोशिश मैंने क्यों की थी, क्योंकि मेरा एक ट्रू लव था, तो ये साबित करने का मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। तो वो मौका भी मैंने छोड़ा, यानी मैंने मेरी तरफ से 100% पूरी कोशिश की थी कि आखिर मेरा ट्रू लव था, तो ये मैंने 100% मैंने कोशिश की थी कि आखिर सब ठीक हो जाए। लेकिन उसने एकदम से इनकार कर दिया, तो मुझे भी ठीक लगा, अच्छा हुआ कि तूने इनकार ही कर दिया, क्योंकि मैं तो बस मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। मेरी लाइफ में जो भी आएगी तो वो सोशल मीडिया से भी दूर होनी चाहिए। मैं भी रुक गया, मैंने भी अपने आप को रोक लिया कि ठीक है, अब बस हो गया। देखो फ्रेंड्स, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, तो क्या कि देखो, अगर आप चाहे कुछ भी करो, पढ़ाई करो या चाहे आप जो भी काम करते हो, लेकिन उसमें आपका 100% लगा देना है, जैसे कि मैंने अभी किया। देखो, जैसे मेरा लव ट्रू था, तो मैंने फिर से एक बार मैंने कोशिश की थी कि उसको एक मौका दिया जाए। तो अब मुझे कोई पछतावा नहीं कि, यानी उसे मैंने एक भी मौका नहीं दिया, तो मुझे अभी कोई पछतावा नहीं है। जैसे मैंने 100% मेरे, यानी 100% मैंने पूरी कोशिश की थी उसके लिए। तो वैसे ही आपको, अगर आप कोई भी काम करते हो, तो उसमें आपका 100% लगना चाहिए, चाहे आप उसमें सफल हो या ना, लेकिन वो काम आप अच्छे से 100% लगा के कीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा हुआ कि उसने इनकार कर दिया, फिर ठीक है, वो मुझसे दूर रहे, यही मेरे लिए ठीक होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी बहुत बेइज्जती हो गई, तो इसी बेइज्जती का फ़ायदा उठा के फिर मैंने भी सोच लिया, मैंने भी ठान लिया कि अब नहीं, अगर वो टिकटॉक स्टार है तो मैं भी यूट्यूब स्टार बन सकता हूँ। तो मैं भी यूट्यूब स्टार में भी बनने के लिए मैंने दिल रात एक कर दिया। फिर मैंने सोचा कि यूट्यूब स्टार में बन के दिखाऊंगा, और मैं यूट्यूब चैनल चलाऊंगा। अब मैं घर बैठे सब लोगों को पढ़ाऊंगा, सब दुनिया को मेरी देखेंगी मेरी टैलेंट को। तो ये सा जज्बा मेरे में, यानी ऐसा बदलाव मैंने अपने आप में लाया। तो मैंने अपने आप में झांका कि आखिर मुझे क्या चाहता है, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो ये सारी बातों का मैंने परीक्षण किया खुद में, तब जाके मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये टेक्निकल फील्ड में कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं टेक्निकल फील्ड में कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा यूट्यूब पे। तब मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि नहीं, अभी मैं यूट्यूब चैनल चलाऊँगा और अपना यूट्यूब पे एक नाम बनाऊँगा, अपनी एक अलग पहचान बनाऊँगा। देखो फ्रेंड्स, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, वो क्या, पढ़ो लिखो चाहे कुछ भी करो, लेकिन जो सपना आपने देखा है, जो आपका उद्देश्य है, उसे पूरा करो, ठीक है। तो जीवन में हमें कभी भी किसी से डरना नहीं है, और जो सपना देखा है उसे हमेशा पूरा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो सपना आपने देखा है उसे हमेशा पूरा करो। और सपना बड़ा होना चाहिए, एक बड़ा सपना देखो, तब जाके आपको कुछ, यानी तब जाके आप कुछ सफल हो पाएंगे जीवन में। मैं आपको एक बात बता दूं कि रियल पावर यहाँ नहीं होती, रियल पावर यहाँ होती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, बस आपके पास, यानी आपको इसका सही इस्तेमाल आना चाहिए, बस यही आपका, यानी यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। तो फ्रेंड्स, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, बस उसे अच्छे से मेहनत करना होता है, मेहनत, और हमें पूरे मन से वो काम करना होता है। और फ्रेंड्स, आपको एक और बात मैं बता दूं, अगर जो काम आप कर रहे हो वो अगर आपकी पसंद का हो ना, तो आपको, यानी आप कभी भी उसमें बोर नहीं होंगे, तो तभी जाके आपका अच्छा उसमें मन लग पाएगा और वो काम अच्छे से हो पाएगा। इसलिए अपने अंदर जागो, अपने अंदर आग जलाओ कि आखिर मुझे क्या पसंद है और कौन सी चीज़ में अच्छे से कर सकता हूँ। तो इन सारी बातों का आप खुद में परीक्षण कीजिए कि हमें क्या करना है, या फिर हमारा उद्देश्य क्या है, कौन सी चीज़ अच्छे से कर सकते हैं, या फिर हमें
डॉक्टर बनना है या फिर हमें इंजीनियर बनना है, तो ये आप यानी अपने करियर का चॉइस, आप करियर का डिसीजन खुद ले कि हमें क्या अच्छा लगता है हमें, यानी हमें क्योंकि देखो पढ़ाई हमें खुद करना होता है, क्योंकि देखो बाहर वाले बताने वाले कुछ भी बताते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए या फिर तुम्हें इंजीनियर बनना चाहिए, या फिर तुम्हें अगर तुम इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो फिर तुम्हें मैकेनिकल फील्ड लेना चाहिए या फिर कंप्यूटर फील्ड लेना चाहिए या फिर सिविल इंजीनियरिंग तुम्हें करना चाहिए, तो वो सब बातें आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि देखो पढ़ाई आपको करना है, तो आप डिसाइड कीजिएगा कि हमें इंजीनियरिंग अच्छा लगता है या फिर हमें क्या चॉइस करना है, तो आपको डिसाइड कीजिएगा कि हमें क्या बनना है, क्या करना है, तो इस तरह से आप डिसाइड कीजिएगा। और अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाहते हो तो आप ज़रूर आइए, और उसमें भी आपको यानी आप खुद सोचिए कि हमें कौन सी फील्ड अच्छी लगती है, तो उसके बारे में यानी आप पहले उसके बारे में जान ले तभी जाके वो फील्ड आप चॉइस कीजिएगा, वरना अगर किसी ने कहा तो भाई मैकेनिकल को बहुत ज़्यादा स्कोप है या फिर कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो वो सब बातें आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई आपको करना है तो आपको देखना है कि हमें यानी आगे जाके हमें इसमें क्या हो सकता है या फिर हमें इस पर कुछ कर सकते हैं, हमें जॉब क्या है यानी हमें जॉब कैसे मिलने वाला है, अगर हमें जॉब नहीं मिला तो हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, तो यानी कई सारी बातें हैं जो हमें सोचनी चाहिए, तो आप चॉइस कीजिएगा क्योंकि पढ़ना आपको है और आपका उसमें इंटरेस्ट भी आना चाहिए, तो इससे कई सारी बात है जो आपको ध्यान देना है, तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप चॉइस कीजिएगा। फाइनली जैसे ही मैंने आपको सब बताया तो फ्रेंड्स देखो पहले क्या हुआ, पहले तो उसने धोखा दिया, फिर बाद में टिकटॉक भी छोड़ के चला गया, फिर बाद में ये सब हुआ, फिर मैंने यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मेरी कुछ स्टोरी थी। तो फ्रेंड्स वो लड़की काफ़ी सारी सोशल मीडिया यूज़ करती थी, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, तो इसे कई सारी सोशल मीडिया वो हमेशा यूज़ करती थी, जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक। तो फ्रेंड्स देखो जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो फिर कुछ दिनों के बाद मैंने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की, फिर तब जाके यानी मुझे काफ़ी तभी हर्ट हुआ, तो तब जाके मैंने डिसाइड किया कि जो भी लड़की मेरी लाइफ में आएंगी, तो जो भी मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी, तो वो हमेशा इन चीज़ों से दूर रहे, हमेशा भले ही वो फ़ोन यूज़ करे लेकिन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सारी बातों से दूर रहे। तो जब वो मुझे मिल जाए तो तब मैं उसे पर्सनली ये सब सारी बातें सब सिखाऊंगा। तो फाइनली फ्रेंड्स वो लड़की मुझे मिल चुकी है और वो मुझे अभी मिली है, यानी कुछ 20-25 दिन हो गए शायद, हम फ़ोन पे एक दो बार बात भी कर चुके हैं। फ्रेंड्स ये मेरा यानी मेरे लाइफ का ये फर्स्ट लव था, तो यानी जो मैंने आपको बताया तो मेरा फर्स्ट लव था, उससे पहले मैंने कभी किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया और किसी ने मुझे प्रपोज भी नहीं किया, मेरे आज तक कई सारी क्रश हो चुकी है लेकिन कभी मैंने प्रपोज भी नहीं किया और किसी ने मुझे भी प्रपोज अभी तक नहीं किया। फिर बाद में फिर ये हुआ, फिर उसने मुझे जो मैंने आज जिस लड़की के बारे में मैंने आपको बताया तो उस लड़की ने मुझे पहले प्रपोज किया, फिर ये सब हुआ। लेकिन फ्रेंड्स जो अब लड़की मुझे मिल चुकी है तो उसे मैं आज खुद यानी मैं उसे अपने आज दिल की बात बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यूट्यूब पे पहली बार ऐसा कभी नहीं हुआ लेकिन मैं ये करने वाला हूँ, यानी मैं यूट्यूब पे प्रपोज करने वाला हूँ। अगर वो ये वीडियो देख रही हो तो मैं मराठी में उसे बताना चाहूँगा और मराठी में मैं बात करने वाला हूँ अभी। जर तू हा वीडियो बघत असणार तर तुला काहीतरी सांगायचं आहे तर प्लीज ऐक ना। तुला त्या दिवशी ऐकायचं होतं ना की मला काय सांगायचं होतं फोनवरती त्या दिवशी, तर ऐक ना। मला तुझ्यासोबत आयुष्यभर राहायला नक्की आवडेल, तू मला आयुष्यभर साथ देशील का? सांग माझ्याशी लग्न करशील? तर प्लीज तू मला रिप्लाय कर नंतर फोन करून, ठीक आहे? तो फ्रेंड्स यही मुझे कहना था, पुस्तक ये मैसेज पहुँच जाएगा। देखो वो यूट्यूब तो ज़्यादा यूज़ नहीं करती लेकिन कभी ना कभी उसे देखने को ज़रूर मिल जाएगा ये वीडियो। तो फ्रेंड्स वो मुझे रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करेगी, ठीक है? ये वीडियो कई सारे लोगों को पसंद नहीं आया होगा, शायद ऐसा हो सकता है कि कई सारे लोगों को ये वीडियो पसंद ना आए, लेकिन देखो मैंने इस वीडियो में बस अपने लाइफ के बारे में बताने की कोशिश की, आखिर क्या कैसे हुआ, हम कैसे रहते हैं, तो हमें क्या काम करना पड़ता है, फिर तो वो सब मैंने बताने की कोशिश की है ताकि आप लोगों तक
कुछ मोटिवेशनल टिप्स आप लोगों तक पहुंच पाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो उसे डिसलाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आखिर आपको वीडियो क्यों अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।